गोइंग, हम जा रहे हैं। एक्चुअली मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बतला रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ आपके साथ 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 ज़्यादा कर नहीं सकते, अलाउ नहीं है गाइस। और सब मुझे देख रहे गाइस, अब मैं बैठे बैठे इधर बता रही हूँ आपसे, इसलिए मतलब हम तीनों आज आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, क्या करेंगे, एंटरटेन। कॉलेज जा रहे हैं, दौलतराम कॉलेज गाइस, सो आई एम सो एक्साइटेड, बैठे हम बड़े बड़े पागल हमारे साथ मिल चुकी है खुशी, हर्षिता। गाइस देखिए ये लड़की, इस लड़की ने धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा करा है गाइस। हाय गाइस, इंट्रोडक्शन दो अपना, इंट्रोडक्शन दो अपना, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आउट कर। कहाँ जा रहे हैं? दौलतराम कॉलेज। दौलतराम कॉलेज, मम्मा क्या कर रहे हैं? गाइस हम खा रहे हैं सैंडविच, चाय आज खाना चाहिए, हम देंगे ही नहीं। धन्यवाद, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम आ चुके हैं दौलतराम कॉलेज गाइस, तो मेरे साथ है खुशी, अर्चिता। हेलो गाइस, लग रही हूँ यार थोड़ा। आज हम लोग कहाँ आए हैं? दौलतराम कॉलेज, राइट। एक्चुअली मैं आज रेनू का ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, तो आई थॉट आज मैं उसकी हेल्प कर दूँ थोड़े अच्छे से। टेंशन मत लो, मैं से कमीशन लूँगी बाद में इस चीज़ की। रेनू लेट्स गो बेब, चलो। हमें पता नहीं हमें कौन से गेट से एंट्री करनी है, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग एंट्री कर ले। एंड भाई ये नोट क्या, गाइस चाल से मैंने स्टार्टिंग करी थी, वो गेट नंबर 2 था, ठीक है। एंड देन हम अभी जा रहे हैं गेट नंबर 2 पर। गाइस हम अंदर आ चुके हैं दौलतराम कॉलेज में, एंड ये है पीछे मेरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं, और ये है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड है, एंड रियली नाइस, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड देखते हैं अभी हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैंटीन में भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है बंद है, एंड लाइब्रेरी वी विल सी दैट, ओके लेट्स गो।
अपनी सिंपैथी से बहुत अच्छा सिंपैथी गेन किया है सर से. एंड सर ने हमें अलाउ कर दिया जाने के लिए. गाइस सर कह रहे हैं गाइस आप अंदर जाइए, अंदर भी ब्लॉग शूट कीजिए जहाँ पे हम अच्छे लगने चाहिए. उन्होंने क्या बोला, हमें यहाँ से जाना है. अबे इधर से राइट होता है बेवकूफ. बंद करो. आई गेस दिस इज ओके. तो ये इनका शायद जिम एरिया कहेंगे हम. या एग्जैक्टली. ट्रेन में अपने ब्लॉग का पार्ट नहीं बन पा रही है. फील अपसेट फॉर हर. इधर आना. सो गाइस ये है जिम एरिया के कॉलेज का एंड मे बी really good. I'm impressed. And sir, मुझे बताइए मैं कैसे. सर इन्हें सिंपली गेम करनी है आपको. जिम करके दिखाऊं थोड़ा. जिम बेइज्जती करवाओगे तुम हमारी. गाइस बेइज्जती करवा सकते हो हमारे साथ. नहीं ये काफी इंप्रेसिव था कि इन्होंने जिम भी प्रोवाइड करा रखा है. ऐसा मतलब जो कि उसमें नहीं आता होगा यूजुअली बट से प्रोवाइड करवा के. ओ इनकी ट्रॉफीज दिखा देती हूँ आपको. काफी ज्यादा ट्रॉफीज है इनके पास. देखिए यार गाइस यहाँ पर अलग मशीन रखी हुई है जो कि मेरे सर के ऊपर से है बिकॉज आई डोंट नो ये कौन सी मशीन है. बट ये वाली कौन सी. अबे ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे बनाना है ठीक है. और हवा भी खा सकते गाइस. मतलब ये पंखा तुम्हें रेगुलर चला के देंगे ना फ्री में. और यहाँ पर भी मशीन है गाइस आप देख सकते हैं. मतलब बहुत सुंदर है नीचे का जो एरिया एक ये वाला एंड देन एक उधर वाला बहुत ही अच्छा है प्रीटी है. बंद करते बैन बंद. गाइस ये थर्ड सेक्शन है. वो फर्स्ट था जहाँ पर रनिंग का था और बीच वाला मिड वाला भी मैंने आपको दिखा दिया. ये थर्ड वाला है जहाँ पर मे बी थोड़ा वेटिंग लिफ्ट जो लग रहा है मुझे. बट दैट्स रियली रियली आसम गाइस. गाइस इधर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिखा दिया है. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा जिम एरिया मतलब बहुत ही सुंदर रियली नाइस ठीक है. एंड पीछे आप ग्राउंड तो देख सकते हो कितना बड़ा है यार. तो लाइक गाइस मे बी ये ना
प्रोग्राम के लिए होगा पक्का भैया। गाइस मे बी दिस एरिया इज स्टेज एरिया, ठीक है यहाँ पर ये स्टेज है, ये स्टेयर्स है बैठने की, आप आगे आके देख सकते हैं, ये मे बी स्टेज एरिया है, यहाँ पर प्रोग्राम होते होंगे एंड ये यहाँ पर सिटिंग एरिया, आई लव दिस सिटिंग एरिया एक्चुअली, ये सिटिंग एरिया मैंने किसी कॉलेज में नहीं देखा था, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस आल्सो। एक्चुअली ये वाला जो फ्लोर है मे बी फर्स्ट फ्लोर है और ये लाइब्रेरी का डोर है मेन, मतलब हर एक फ्लोर पे लाइब्रेरी का आपको डोर मिल जाएगा, ठीक है मतलब एकदम फ्लोर टाइप्स है, तो फ्लोर टाइप्स में आपको लाइब्रेरी भी इंक्लूडिंग है एंड ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है मे बी ये वाला डोर जो कि लॉक्ड है, ठीक है ना। मैं नीचे वाले मतलब जो मेन एंट्री का है लाइब्रेरी का वो ये वाला है जो मेन एंट्री का है, इसमें मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी अंकल को कि मुझे अंदर देखने दीजिए बुक्स वगैरह, बट उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं करा था, उन्होंने बोला था अभी बच्चे अलाउ नहीं है अंदर के लिए, अभी बस स्टाफ ही जा सकता है अंदर, तो इसलिए गाइस ये वाला तो मतलब देख ही नहीं पाएंगे लाइब्रेरी, तो बस ये ही आपकी लाइब्रेरी। किचन नहीं है, हेल्थ एजुकेशन समथिंग लैब है, होम साइंस, ओके किचन ही है, ये आपका सेकंड होम साइंस लैब है। दिखा जो बायोटेक्नोलॉजी इनके यहाँ पे कुछ मेजर सब्जेक्ट होगा और ये जो पूरा का पूरा ये वाला कॉरिडोर है ये इनका उसी के रिलेटेड है और यहाँ पे सारे रूम्स कल्चर के रूम्स हैं, ये कुछ मशीन से हमें पता चल गया है लैब्स वगैरह ना। हेलो हेलो ए फ्यू मिनट्स लेटर गाइस ये वाला पार्ट है हमारा कैंटीन एरिया जो कि ये भी बंद है, बिल्कुल ही बंद कर रखा है, सब कुछ ही बंद कर रखा है एक्चुअली, और यहाँ पर अंकल वगैरह सो रहे थे जो कैंटीन में काम करते हैं, और ये है आपके कॉलेज का बैंक जहाँ आपको ये सारा आपका रिसाइकलिंग का स्पॉट है, मतलब जितना भी वेस्टेज और सब कुछ जो भी रिसाइकिल हो सकता है रीयूज हो सकता है, जो हमारे सारा न्यूज़पेपर बुक्स गत्ते वगैरह ठीक है वो सब यहाँ पे आपका रिसाइकिल होता है रीयूज होता है, ये जो डायग्राम है यहाँ तो सब कुछ इलैबोरेट कर रहा है रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल रीयूज एंड काफ़ी अच्छा ये मेजर पॉइंट था इस कॉलेज का कि इन्होंने बहुत अच्छा ये कुछ कॉरिडोर और ऑडिटोरियम टाइप्स बना रखा है जहाँ पे हम अपना सारा सामान वापस यूटिलाइज कर सकते हैं रीयूज और रिसाइकिल करके, ये सारा कुछ ये सब कुछ वेस्ट है बेसिकली तो हमारे लिए वेस्ट होता बट ये लोग वापस इसको यूज़ कर सकते हैं, अब उनके ऊपर वो कैसे करेंगे, बट ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का ये
और एक वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और बहुत इंप्रेसिव है ये कॉलेज, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। एंड बोल, ये हैंडल करती है, आप गाइस, यहाँ पर रिसाइकल वाला पार्ट था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दिस साइड इज रिसाइकलिंग पार्ट एंड देन उस साइड कैंटीन थी एंड ये वाला एग्जिट गेट है गाइस, एग्जिट गेट है एंड देन होल कॉलेज। वैसे कॉलेज बाहर से देखने में थोड़ा सा लग रहा था सुंदर सा, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत 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 सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है। आप देख सकते हो गार्डन, रेनू का फेवरेट स्पॉट है ये यूजुअली, क्लिकिंग फोटोज एंड गाइस, ये है दौलत राम कॉलेज, सुन का सुन एंड गाइस मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा कॉलेज एंड क्या क्या चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, जैसे कि हमें रिसाइकलिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, कैंटीन भी बंद थी गाइस। तू बता तेरे को कैसा लगा कॉलेज? यार ऑनेस्टली ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज बुरे हैं या ये अच्छा है, सब कॉलेज अपनी जगह अच्छा, बट दौलत राम की तीन चार चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, मतलब लाइब्रेरी सेक्शन में लाइक होटल टाइप लग रहा था कि किसी ने कॉफी टी के लिए आते ना डेट पर, वैसा लग रहा था। A few minutes later. Guys, मैंने कॉलेज से एग्जिट ले लिया है, बिल्कुल सामने गेट के सामने आपको मिल जाएगा ये कैफ़े, बहुत सुंदर सा, आप यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं, सीधे सामने ये कैफ़े कह रही हूँ, फूड पॉइंट है।
तो गाइस अभी हम ऑटो में हैं और जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई है ना, ये दौलत राम कॉलेज से आने जाने की सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये सब बिल्डिंग्स पड़ती है इसमें, ठीक है? तो आप देख के आइए, जरूर देख के। तो गाइस अगर आपको दौलत राम कॉलेज जाना है तो आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा और वहाँ से दो तीन मतलब 5-10 मिनट का रास्ता होगा ई रिक्शे से, आप आराम से जा सकते हैं। एंड देन जो मैंने बिल्डिंग्स वगैरह दिखाया था आप देख लीजिएगा ज़रूर कि वो आ रहे कि नहीं, क्योंकि वो सब था उसमें। तो दैट्स इट।